अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील फत्तेपूर ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या भोंगर कारभाराला नागरिक त्रस्त झाले आहे। ग्रामपंचायत प्रशासन नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे फत्तेपूरमधील वॉर्ड क्रमांक 1 मधील नागरिकांनी आपल्या समस्यांचा पाढा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधींसमोर मांडला। तर आज वॉर्ड क्रमांक 2 मधील समस्या आपण पाहणार आहोत। फत्तेपूर येथील वॉर्ड क्रमांक 2 मध्ये 14व्या वित्त आयोगाअंतर्गत सन 2016-17 साली बांधण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीची दुरावस्था झाली आहे। बाजूलाच असलेल्या बोअरवेल समाज कार्यालय दुभांगलेल्या अवस्थेत आहे। याचा नागरिकांना कोणत्याच प्रकारचा वापर होत नसताना शासनाचे लाखो रुपये बुडाले, तसेच गटारी नसल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे। या सुविधा नसताना मात्र ग्रामपंचायत प्रशासन नागरिकांना कर भरण्याच्या नोटिसा पाठवत आहे। कर न भरल्यास न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे लागेल अशी धमकी नोटिशीद्वारे देत आहेत। नागरिक कर तर चुकवतील, पण नागरिकांच्या सुविधाचे काय असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत। ये कितने के दिन से गिरे हुआ है ये गड्ढा? कई महीना होगा इसको। तो उन्होंने कुछ करा नहीं इसमें? कुछ नहीं करा, आए हुए मैंने काट के दिया तार। हाँ। पत्रे काटे उन्होंने बस बाकी कोई दुरुस्ती नहीं किया? दुरुस्ती नहीं किया। उनको बताया नहीं क्या? फिर बोले उनको लाएंगे, बोले करेंगे, बोले। तो ऐसा कितने दिन से चल रहा है ये? तो कहीं महीना होगा इसको। कोई देखने को नहीं है? काय गटारी नाही, काय नाही, किती घाण आहे। एक इकडे किती पाणी वाहतं, थोड्यावर पाणी वाहतं, इकडे घाण एकदम भरपूर। हे पण तुम्ही किती गटार तुम्हाला इकडे सफाई कर्मचारी येत नाही का? काय येतं काय का तुम्ही आता कधी येतो कर्मचारी? बाबर किती घाण आहे। बरं, आणि असं कळलं आहे माहितीनुसार की तुम्हाला ग्रामपंचायतीने नोटीस दिली कर भरण्याच्या संदर्भात? ते म्हणे कोर्टामध्ये हजर राहणं पडेल म्हणून तुम्हाला। आणि इथं तुम्हाला त्या सुविधा मिळत आहेत का? नाही नाही, गटार हे पाणी वाहतं आहे, ते वाहतं आहे, काय कोणती किती वरून पाणी वाहतं तिकडं, रोडाचा पत्ता नाही आहे। तिकडे टाईल बसवली, हे बसवलं, इकडे काहीच नाही आहे। ग्रामपंचायतची आज्ञा आहे ते मैंने बोला असतो, मग बोला घानसफा करा भाई, बहुत मच्छर एवढं या फार। अच्छा, तो बसून थोडा बस म्हणणं काढावं असे आणि बस उत्तेज करके चले काय करतो तो? बस फवारा बिवारा मारा मच्छर काय? फवारा बिवारा कुछ भी नहीं मारे इधर। उन्होंने उनको बताया नहीं आपने? नहीं बताया नहीं ना हमने। अब वो ग्राम पंचायत के आदमी को मैंने बताया तो उन्हें सिर्फ पल्ले काट के चले गया। अच्छा, कितने दिन के बाद आता है वो इधर? अरे महीने में, महीने दो महीने के बाद भी अब आया एक बार। अच्छा, फिर भी पूरा साफ नहीं किया? पूरा साफ नहीं करा उन्हें। फिर भी बोलते ही नहीं, अभी बोलता 5 साल हो रहा है बोलने बोलते बोलते 5 साल। दिन दिन मुरम डाले जब आते ना इधर आते ना, उस दिन भी आते ना नहीं बोली थी ना मैंने। फिर आते बोले अभी वो जो बनाने वाले हैं ना तो आइए बोले भाई। मैं तहसीलदार करने जाने वाला है और ब्यूरो पर जाने वाला है, फिर आएंगे संचर यहाँ अर्जे लिखता है उनके नाम का, वहाँ जाता हूँ। तब सर हमको तीन को तकलीफ है, यहाँ 5-6 दिन ठहरो बोले। पूरा पूरा उतारा नहीं इधर, पूरा इधर जाता है। वो ढाल है तो मैं भी जरा 1-2 दिन हो गए जब निकल कर वहाँ जाता हूँ तहसील में और ब्यूरो से बात करता है, तहसील ऑफिसर से बात करता है, क्या तकलीफ है। देखो डुक्कर घूम रहा है ये, देखो ये कोई बात है क्या? ये तो किन बीमारी गिर गए मेरे घर पे रशदाबा गुड्डापुर, कितनी बीमारी गिर रहे? अभी देखो हमारे घर में सलाइना चालू है, जामनर की ट्रीटमेंट चालू है, वो इंतजार डॉक्टर तरफ से रोज के 2-3 सलाना चालू है। हम बीमार गिर रहे हैं, सरकारी के मेरे पास लोग है ना, देखो जरा कुछ हो तो उनके बारे में। और मैंने जो नहीं बोला है वो भी तुम्हारी तरफ से लिख के डाल दो उसमें, मैं जो कुछ पीछे रहा हूँ। नहीं यहाँ पे तो सब हकीकत दिख रहा है ना, झूठ बात थोड़ी अपनी। अब देखो पानी कहाँ है, बारिश में कहाँ है पानी? पानी थोड़ा जा रहा है, कहाँ गिरा पानी? घर में डायरेक्ट कोई बोलना नहीं, गरीब आदमी सारे पूरे ठंडा था कि उसको पानी पूरे हमारे घर घरों जो अंदर तक आ जाते। उस दिन फौरन मारने वाला है तो दिन को एक जरा सा इधर से पीछे मार दे, बस अभी यहाँ तक तो वो भी मारे उन्होंने चले गए। 12 महीने के बाद एक फिर आए थे। हाँ तो आए थे एक बार, 12 महीने के बाद एक फिर आए।
वामन उखड़ो भीमा पटेल इनके जो काम है ना, तो इनके आज भी हम उनका नाम लेते हैं। वार कम्बल दो में रहता, मेरे घर के सामने गंदगी बहुत है और इस पर कोई गर्म में ख्याल नहीं देती। मैं गर्म में उसके बाद कंप्लेन करा तो भी इस पर ख्याल नहीं कर गर्म मिल देती। मेरे घर में बीमार रहते हैं, हमेशा बच्चे ये सब बीमार रहते हैं, क्योंकि अफजर खोल और पांडा की बांध के रखा, उसको कोई उपयोग नहीं, कोई हॉल बनाया हाल को भी कोई उपयोग नहीं। ये कितने दिन से ऐसा है? ये कम से कम 5-6 साल से। तो आपने कुछ कंप्लेन किया ग्राम पंचायत को? 5-6 बार कंप्लेन करा ग्राम पंचायत में। तो कोई सफाई कर्मचारी या कोई सदस्य वगैरह कोई नहीं आते इधर? हालांकि ये तो सरपंच का वार्ड है, इधर सरपंच चुन के आए ले, सरपंच बताया, मतलब कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। तो ये पानी कितने दिन से ऐसा बहता है? ये संडास का पानी, कितने दिन से बह रहा है ये पानी? 4-5 साल से बारिश चल रही है। तो कुछ मुरुम विरुम डाला जाता है क्या रास्ते पे? अच्छा, पूरा पानी पानी घर में आता ना, हमारे बाड़ी में पानी पूरा है। तो इसके ऊपर ये इसके वजह से आपके बच्चे बच्चे बीमार गिरते हैं? हमेशा बीमार गिरते ना। मैंने एक बार ठलकु बोला था तकले वाले को, बता रहा मैं गंदगी लागे उसको, तो बताया ईश्वर पटेल को, बताया ईश्वर पटेल हाव करता करता कर ईश्वर पटेल भागा था ऐसे। अरे फोटो लेना रे रमेश, ये लिया ना, सब लिया ना। और पानी की टंकी जो 16-17 से बने डायरेक्ट बना के रखे, नाम को दिखाओ नाम कर कर लो। तो उसमें कोई आज तक उसका वापर ही नहीं हुआ है क्या? अच्छा, वहाँ पे जो बोर करके रखा है ग्राम पंचायत ने, कर लिए सब भी नहीं, और वो नदी का घान है, घान वो भी निकाल देने। मैं सरपंच को दो बार बोला घान निकालने का, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। तो क्या बोले उन्होंने? ये कितने दिन से पानी आता है साफ करने को ग्राम पंचायत को बोला क्या? ये जब से ये सिदोड़े आया, जब से काम की सुविधा बोल रही, मतलब सिदोड़े को बोल रहे ना, तो बोलता जाओ देखिए। तो मैं तो वहाँ जाने वाला था, इसी में बीड़ू का नहीं जाने वाला है, मैंने बोल दिया उसको उस दिन वहाँ मुँह पर बोला उसको, क्या मन का भाई ये रोज बोलता। और उन्होंने लास्ट में क्या बोला, बोले जाओ उसके तरफ, वो राजू कौन है, जेसीबी वाला, जेसीबी वाला राजू कौन है? राजू वो हिंगने का जेसीबी है, वो राजू के तरफ जाओ। मन का राजू सरपंच है क्या? मैंने बोला तो मेरे से दो बातें कर रहा हो, बोले क्या वो राजू के तरफ जाओ। मुझे हमारे काम है राजू की तरफ जाना, क्यों भाई ग्राम पंचायत काम है ना, ये ग्राम पंचायत का काम है, क्या गंदगी है, कितनी गंदी बात आ रही है, ये सब लोग अभी रहम कर रहे हैं, अभी रहते साइन कर रहे हैं, इतनी गंदी बात आ रही है। नहीं सेदोड़ा आया जब से इतनी तकलीफ है, जब ठंडा पानी नलाते ना, नलाते जब ठंडा पानी डालते ना, इतनी गंदी बात आती है कि हमारे मुंह में ना दूसरे पार्टी के उसको दूसरे मेंबर करने जाओ तो तुम लोग क्या बोलते हैं हमको, वो मेंबर क्या बोलते हैं, जाओ वो तुम्हारे तुम्हारे जो वार्डो का उसको देखो, जो वार्डो का बोलो तो ये वार्डो वाले को बोल के हम बुड्ढे हो गया। देख ले ये गान कीड़ा की स्कूल का देख ले, बहुत साफ घूमने वाले इधर, साफ साफ आते इधर, बोले मैं अंडरग्राउंड नालियाँ कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर देता। जानवर आते 5 साल हो गए ये चाटा पे मारते मारते, अभी 4th-5th साल चालू है। कितने बड़े साफ घूमते इधर, दूसरों को बोलो बोलते हो, तुम्हारे पार्टी का जो तुम्हारे वार्ड का है उसको देखो, हम क्या बोल रहे हैं। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।